वो कैमरा देखे चक्कर हम ही को ना ठोक दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी एक छोटी सी राइड है, हम लोग टोटल 3 राइडर हैं, तो अर्ली मॉर्निंग निकले हुए हैं। ये नया पुल बन रहा है, आज मैं पहली बार इस रूट पे आ रहा हूँ। तो आज की जो राइड है वो तो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मज़ेदार लगेगी, तो सस्पेंस बनाए रखते हैं। बाद बाकी राइड डिस्क्लोज करेंगे जब लोकेशन पे पहुँचेंगे तब। बहुत अच्छा पुल बनाया है भाई, पहली बार आए इस पुल पे हम। तो मीनारी रोड पे मक्खन की तरह चलती है, फाइन। अब जितना थ्रोटल दोगे आपको गाड़ी उतना एंजॉयमेंट देगी। भाई साहब अच्छे सड़क दिखा करके खराब सड़क दिला दिया, ये तो धोखा हो गया। जिस तरह राजनीति को धोखा होता है, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं हाईवे में और हाईवे में बात करते हैं। और अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला कब पैनिक होकर हार्ड ब्रेकिंग करे उसे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कर लीजिए ताकि आपके लिए वो ज़्यादा सेफ हो। चाचा भाई साहब थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करता है, रोड में सबको गरियाती चलता है। रोड पे एक से एक नमूने मिलते हैं जो उनसे सट सट पार हो जाता है। अरे भाई थोड़ा आराम से चल लिया कर। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पेटर बार। पेटर बार कोई बहुत स्वादिष्ट खाना यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हो तो नाश्ता वगैरह के लिए या चाय पानी के लिए रुक सकते हो। ठीक जगह है, सब ठीक ही जगह है, सब कोई रुकता है। अगर आप भी चाय के शौकीन होते हैं रुक के चाय पी सकते हो। देख रहे हैं भाई का गुस्सा। इसका बस चले तो रोड का हर एक इंसान को गरियाते चलेगी। अरे चचा सुबह सुबह पी के टाइट है का। सही है। कुछ बोल रहा है यहाँ पर। अब दोबारा नहीं करना, ठीक है ना। ये आगे हम लोग गोला, ये आपका सब्जी मार्केट है। हमारे एरिया में जितने भी सब्जी के कारोबारी हैं यहीं से अपने माल उठाते हैं, और यहाँ से आपको डायरेक्ट पड़ेगा रांची, इधर पड़ेगा मोरी और इधर पड़ेगा रांची रोड। राम से चचा ये देखिए, अरे कहाँ ध्यान रहता है यार इन लोगों का। कैमरा देखें चक्कर हम ही को ना ठोक दे। कैमरा देख रहे हो भाई लोग, अगर हमें को ठोक के चल जाओगे बताओ। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ प्रो राइडर का करानामी, दाएं बाएं निकालने का गुंजाइश। अच्छा हमको लग रहा है फाटक बंद है भाई, फील तो वही आ रहा है।
अब इसको हम क्या गाली देंगे समझ में नहीं आता है। अरे बुद्धि नहीं यार इन लोगों की, किताब कॉपी में क्या पढ़ा है इन लोग समझ में नहीं आता है। ये आपकी रोड ले जाएगी आपको हंड्रू फॉल, बेहतरीन जगह है भाई, रोड भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सिटी ऑफ लव। अगर आप अगर रांची जाते हो तो ये रोड चल जाएगा डायरेक्ट और मांझी, यहाँ से 10 किलोमीटर है, आपको यहाँ से मुड़ना है उस डैम के लिए, तो यहाँ से मुड़ना है उस डैम के लिए, गोटलासून डैम। लोकेशन फ़ोटो के लिए बेस्ट है, हमने भी कुछ फ़ोटो इस लोकेशन पे खिंचवाई है जो हमारे इंस्टाग्राम पे अपडेट हो गई हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप यहाँ पिकनिक स्पॉट्स वगैरह है, आप ये देखिए भाई लोग पिकनिक बना रहे हैं, पिकनिक बना सकते हैं। और ये है आपका मेन डैम, कुछ ज़्यादा ही गहरा है, देख सकते हैं आप लोग। ये अपने भाई साहब फोटो लेते हुए, और ये अपने भाई साहब पता नहीं क्या कर रहा है, चलना है रे भाई, चलना है, चलना चलना है ना, रे बोल रे ए बंदर चला तो चलिए आपका भाई चलाएगा आरएस बीएस 4। बेसी साउंड, चल भाई। आरएस अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक में से एक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रांची, और रांची वाला वीडियो आपको इसके बाद वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे BS6 में भी कुछ काम करवाना है, गाड़ी का क्लच वायर में कुछ इश्यू आ गया है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को आगे एंड कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि BS6 में क्या काम करवाए हैं। तो स्टे ट्यून। शाम के वक्त इस रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब सूरज जब ढलता है तब देखने का भी एक अलग सा मज़ा आता है। बाकी रांची के भी बहुत सारे लोग हैं जो राइड पे यहाँ आते रहते हैं, आज तो हम लोग लगते वक्त से पहले आ गए हैं। और ये यहाँ का गेट, काम तो चल रहा है। आरएस चलने में अच्छी है। अभी मैं जस्ट डोमिना चला के इस पे आया, हमको किस तरह का पावर के इशू नहीं हुआ, चलने में बहुत सही है। और आपको हमारे वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।